मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। मेरी तबीयत पहले से बेटर है, लेकिन कल जब मैं ये व्लॉग शूट कर रही थी एट दैट टाइम आई हैव नो वॉइस, तो मैंने तभी सोच लिया था कि मैं इस व्लॉग को वॉइस ओवर करूँगी। मुझे व्लॉग बनाना बहुत अच्छा लगता है, व्लॉग्स गिव्स मी मोटिवेशन और ये मेरा काम भी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं कर सकती हूँ तो क्यों नहीं। और मुझे सिर्फ वॉइस ओवर ही करना था, बाकी तो आई एम एब्सोल्युटली फाइन। इट्स जस्ट दैट माय वॉइस इज़ नॉट सो गुड राइट नाउ एंड आई हैव गॉट अ ब्लॉक्ड ईयर, बट होपफुली एंटीबायोटिक्स अपना काम करेंगी और मैं बहुत जल्द ठीक हो जाऊँगी। अभी सुबह हो गई है और मैं उठ गई हूँ और आज अबीर की पहली छुट्टी है ईस्टर हॉलीडे की, तो बस मैं उसके लिए नाश्ता बना रही हूँ। उसके लिए मैं बना रही हूँ अजवाइन का परांठा और साथ में बनाऊँगी अंडा, उसको अंडा और परांठा खाना बहुत पसंद है, तो बस उसको बना कर देते हैं। आज पेस्ट कंट्रोल वालों ने भी आना है, तो आज वो लॉन में करेंगे सेकेंड ट्रीटमेंट। अगर आप मेरे व्लॉग्स रेगुलरली देखते आ रहे हैं तो आपको मालूम होगा कि हमारे लॉन में लेदर जैकेट्स का इशू हो गया है। अगर आपने व्लॉग्स नहीं देखे हैं पिछले, तो आप प्लीज़ जाकर देखिए, तो आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम हुई है। तो बस उसी से रिलेटेड आज हमारे लॉन का सेकेंड ट्रीटमेंट है। तो सौरभ अपनी वर्क ट्रिप पर है, वो लंदन गया हुआ है, लेकिन आज वो वापस आ रहा है, तो बस थोड़ी देर में सौरभ भी आने वाला होगा। और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है सौरभ के बिना। जब भी मैं बीमार होती हूँ ना, मुझे पता नहीं, आई फील रियली लो। लेकिन अभी वो आ जाएगा घर पर, और अबीर भी घर पर है तो थोड़ी सी रौनक हो जाएगी। और मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग्स में बताया था कि हम लोग हॉलीडेज़ पे जाने वाले हैं एंड वी आर वेरी एक्साइटेड। हम आप लोगों को एक नया शहर, नई डेस्टिनेशन दोबारा से लेकर जाएंगे, खूब मज़े करेंगे, आपको भी एक नई जगह दिखाएंगे। तो बस यार उसको लेके एक्साइटमेंट तो बहुत है, लेकिन उससे पहले आई फील क्या यार, मैं वाकई में चाहती हूँ कि मेरा ईयर इन्फेक्शन बिल्कुल ठीक हो जाए, वरना मेरे लिए फ्लाई करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो बस पॉजिटिव वाइब्स के साथ और पॉजिटिव थॉट्स के साथ हम लोग अपने हॉलीडेज़ की भी तैयारी कर रहे हैं। आज मैं शायद मॉल जाऊँ, तो मुझे थोड़ा बाहर भी निकलना है। बड़े दिनों से बीमारी वाला माहौल हो रखा है एंड आई वॉन्ट टू कम आउट ऑफ इट। तो आई होप जब सौरभ आएगा तो थोड़ा हमारे पास टाइम हो और हम लोग शाम को मॉल जाएं और एक अच्छी सी इवनिंग स्पेंड करें सब साथ में। तो इंग्लैंड में इस वक्त पे चल रही हैं ईस्टर की हॉलीडेज़, तो आज से ही शुरू हुई हैं और ये कुछ टू एंड अ हाफ वीक की हॉलीडेज़ होती हैं। तो हमने सोचा कि चलो हॉलीडेज़ भी हैं, अबीर को बाहर लेकर चलते हैं और हम भी एक नई जगह देखते हैं और थोड़े ट्रैवल ब्लॉग्स बनाते हैं। आपसे बात करते करते मेरा परांठा रेडी हो चुका है, अब बस मैंने अंडा भी तोड़ के डाल दिया है पैन पे। प्रेजेंटेशन पे मत जाना, लेकिन आई नो खाने में बहुत टेस्टी होगा। इसको बस परांठे के अंदर डाल के रोल बना के अबीर को मैं सर्व कर दूंगी और वो बड़े मज़े से खा लेगा इसको। और लॉन पेस्ट कंट्रोल वाले भी आ चुके हैं और उन्होंने अपना सेकेंड ट्रीटमेंट शुरू कर दिया है। तो ये जो पेस्टिसाइड है, वो जो स्प्रे कर रहे हैं हमारे लॉन में, इस पेस्टिसाइड से क्या होगा कि जो लेदर जैकेट्स हैं वो घास को खाना बंद कर देंगे, और जब उनको घास नहीं मिलेगी जो कि उनका प्राइमरी फूड है, तो इवेंचुअली वो लोग उनकी डेथ हो जाएगी। यही मैं चाहती हूँ, बिकॉज ऑनेस्टली स्पीकिंग लेदर जैकेट्स कोई अच्छी चीज़ नहीं है। हमारे साथ ये प्रॉब्लम हुई है तो हमें पता है। बाकी इंग्लैंड में एक ऐसा पेस्टिसाइड आता था जो बहुत जल्दी ट्रीट करता था लेदर जैकेट्स को, लेकिन वो अब इंग्लैंड में बैन हो गया है और इसलिए अब हमें ये वाला ट्रीटमेंट करवाना पड़ रहा है, जो कि थोड़ा सा स्लो है लेकिन इफ़ेक्टिव है। तो जब भी बारिश होती है लेदर जैकेट्स ग्रास से निकल कर बाहर आ जाते हैं, तो वो हमारी ये लॉन की जो टाइल्स हैं यहाँ पर आ जाते हैं, बिकॉज दे फील सफोकेटेड इन द लॉन। और फिर नेक्स्ट डे हम सारे लेदर जैकेट्स को स्वीप करते हैं। हमने अपने गार्डन की टाइल्स पे ब्लीच यूज़ करना शुरू कर दिया है और ब्लीच से हमने बहुत इफ़ेक्ट देखा है। वो जैसे ही गार्डन की टाइल्स पे आते हैं ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। मैंने अपने पिछले कुछ व्लॉग्स में लेदर जैकेट्स के ऊपर बहुत डिटेल में बात करी है, तो अगर आपने वो व्लॉग्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप जाकर वो व्लॉग्स देखें। थोड़ा सा दूर हो जाओगे, ठंड इतनी है। हेलो, आई कांट टॉक, यू हैव टू टॉक। हेलो गाइस, हाउ आर यू, आर यू ओके? छुट्टी है, चल रही पहली। मम्मी को तंग कर रहा है? आई वाज रादर प्ले बोर्ड गेम बाय माय सेल्फ। रियली गुड, गेम ही तो खेलते हैं हम। यहां पे ना बहुत गंदा है, अभी तुम वहां रहो, मेरा जूते बहुत गंदे हैं। हाउ आर यू डार्लिंग? पता है मेरी सुबह से अब आवाज निकली है थोड़ी सी, क्योंकि मैं आ गया हूं ना। आई एम गोइंग अपस्टेयर्स टू माय रूम। तो मेरे को समझाना भी तो है।
क्या समझाना है? सौरभ ये करो, ऐसे करो, ऐसे करो। नहीं, तो तुम्हें क्या समझाना है? समझाना तो मुझे होगा ना। तेरी आवाज निकल गई ना। अच्छा, ओके, राइट। कैसे जाएगी अगर आवाज नहीं निकलेगी? लिसन, अगर जाना है ना नेक्स्ट वीक, जो आपने जो भी प्लान्स कर रखे हैं, तो मुझे आज मॉल जाना बहुत जरूरी है मेरे लिए। एक बात बताओ, तुम्हें कोई शर्म है? तुम्हारी मम्मी बीमार क्या हुई, तुम बस सिर्फ और सिर्फ आईपैड देख रहे हो? या तुमने पियो वाली मोनोपोली बिछा ली है? अब तुम्हें लग रहा है बेटा, डैडी मम्मी की हेल्प कर रहे हैं, उसके बाद हमें जाना है मॉल। 10 चीजें यहाँ पर पड़ी हुई है, तुम लोगों ने यहाँ, मैं अपनी तबीयत भी ठीक करने पर लगी हुई हूँ। सच में यार दुखी कर रखा है ये पकवान। और ये एक तो मुझे बाहर इतनी हाँ परेशान हूँ मैं, बाहर इतनी अच्छी धूप निकली हुई है, बंदा अपनी थोड़ी खिड़की का पर्दा ऊपर कर लेता है। नहीं, करना ही नहीं है। एक तो मेरी आवाज नहीं निकल रही। Unknown street, station or utility, you must buy it or auction it, okay? What so, you have to buy it? Yeah, you must buy it or auction it. Ready? Guys, pay the price on the board space. I'm very sorry to disturb you, both of you. I'll be ready in 2 minutes. Okay, so I need to finish this. Price on the board space. Listen to me carefully. एक मिनट, तुम दोनों को Monopoly खेलने नहीं आती? तेरे को बड़ी आती है। इसलिए तो मैं खेलती नहीं। But नहीं, मैं बहुत पहले खेलती थी, मुझे याद नहीं है इसके rules इतने। Can I please read it? I do. I'm for the card ones. Okay, are you listening? Set. But that's a different thing, beta. Set. Abir. इसको बैंकर बनना होगा। Pay the price on the board. अभी, are you listening? Pay the price on the board space. So we have to first pay this price and take the title deed. तो finally we are going to mall और ये जो आप देख रहे हो ना, ये Bristol में Airbus का ऑफिस है। इंट्रोडक्शन की तो जरूरत है नहीं कि Airbus कंपनी क्या करती है। तो ये लोग प्लेन्स बनाते हैं। तो Bristol के अंदर Airbus और Boeing दोनों के ही हेड ऑफिस हैं। Anyway, अभी चलते हैं मॉल और या देखते हैं मॉल में कुछ मिले हमें, कुछ अच्छा सा हमारे हॉलीडेज के लिए। तो हम आ चुके हैं शूज शॉप पे और अबीर के लिए देख रहे हैं क्रॉक्स। तो क्रॉक्स ने अपने कुछ नए डिज़ाइन के क्रॉक्स निकाले हैं एंड आई रियली वॉन्टेड अबीर टू टेक वन, लेकिन उसको पसंद नहीं आ रहे, पर दिखने में बड़े कूल हैं। तो बड़े प्यारे से लग रहे हैं, बहुत सॉफ्ट हैं, जो आप पहनते हो बहुत कंफर्टेबल फील करते हो। बट अभी को वही जो उनका बेसिक स्टैंडर्ड वाला जो डिज़ाइन है उसको वही लेना है, तो दैट्स ओके। यहाँ पे मैं उसके रनिंग शूज़ देख रही हूँ, लेकिन ये वाले मुझे थोड़े अच्छे नहीं लग रहे। एक ही अभी लेकर आया है, ये वाले शू फिर भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो लेट्स सी कि हम उसके लिए क्या लेते हैं। बच्चों के साथ शॉपिंग करना ना आसान बात नहीं है। बट अबीर हमेशा ऐसे ही था, पहली बार नहीं है। तुम्हें क्रॉक्स चाहिए कि नहीं चाहिए? वहाँ पे चाहिए होगी। अब ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं मॉल आऊँ और कुछ शॉप ना करूँ? तो मैंने कुछ कपड़े उठाए हैं अबीर के लिए, सौरभ के लिए, अपने लिए मैंने एक ड्रेस उठाई है H&M से। ये सारे की सारी शॉपिंग मैं आपको दिखाऊंगी अपने हॉलीडे व्लॉग्स में। सौरभ मेरे साथ यहाँ पे मजाक कर रहा है और कह रहा है कि अब तो तेरी तबीयत और भी ठीक होगी। एनीवे, मैं आपसे मिलूंगी अब नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर